बेचारा गोपी। सही किया मैडम आपने, निकाल दिया उसे, डिजर्व करता है मैडम, ऐसे ही उसको धक्के मार के निकाल देना चाहिए। करेक्ट। कहाँ है? बाहर ही होगा मैडम, बुलाऊं? मैडम आप बिना एक नंबर के बोली है। अरे आपने खुद अभी कान पकड़ के उसको बाहर निकाला और आप पूछ रही हैं कहाँ है? बाहर ही होगा। थारी महबूबा है गोपी है जो थारा रोम रोम में बसी है, उसके अलावा कोई नाम ना सूझ रहा। अब मैं गोपी की बात ना कर रही, उसकी बात कर रही हूँ, अधेड़ उम्र के पप्पू की। कहाँ है वो? ओ वो आइए आइए। ओ आ गया मैडम, आ गया जी। नमस्ते मैडम, आपने हमें यहाँ बुलाया, नाव डूब गई नैनीताल में। अबे थारी नाव को ही पार लगाने के लिए बुलाया है भाई। वैसे तो उस लौंडे के पास जो तस्वीर है ना थारी और उसकी अम्मा की शादी की, भाई काफी है यो प्रूफ करने के लिए कि तू उसका बाप है। लेकिन मन ने बेरा है कि वो लौंडा झूठ बोल रहा है। वाह मैडम, हाँ मैडम, वाह, सुना तुमने मैडम ने क्या कहा? सुना नाव डूब गई नैनीताल में, और मैं तुम्हें यही बात सारी रात कहता रहा हूं, और सारी रात इसने मुझे बाथरूम में बंद करके रखा। नाव डूब गई नैनीताल में। अरे मैडम के कहने से क्या होता है, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक ये साबित नहीं हो जाता। मैंने मेकअप किया ही कहाँ है। अरे कितना तो है। ओ, ओ, ओ भाभी जी, हमारी मैडम ने एक बार कुछ कह दिया ना तो समझ लीजिए साबित हो गया। क्योंकि हमारी मैडम एक बार कोई चीज ठान लेती है ना तो एक नंबर की अड़ियल घोड़ी, मेरा मतलब है जिद्दी लोमड़ी, मेरा मतलब है साबित करके रहती है। ठीक है, लेकिन ये प्लान काम में आएगा ना? नाव डूब गई नैनीताल में। नहीं आएगा तो अडॉप्ट कर लेना, गोदी का लल्ला बना लेना, उसे बिठा लेना गोद में। पापा, दूर दूर रहो, नाव डूब गई नैनीताल में। भैया ओ लल्ला, ऐसा है हमने घना सोच विचार करा और जो है इस नतीजे पर, निष्कर्ष पर, जो है डिसीजन पे पहुंचे हैं कि 25 साल पहले की बात वैसे तो आई गई हो गई है, लेकिन सिंस कि तू इतना क्लेम करे मर रहा है कि भैया यो ही थारा डैडी है, तू इसका बेटा है, तो यो डिसाइड हुआ है कि भाई यो तेने जो है कंपनसेशन दे देगा 25 लाख का। करोड़पति आदमी है, इसके बड़े यॉट वगैरह हैं पानी वानी पे और घनी सारी बिल्डिंगें वगैरह है, अरबपति है यो, बहुत पैसे वाला है, 25 लाख दे देगा, उसमें कुछ गिरेगा नहीं इसका। हाँ हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं, करोड़ों रुपए हैं मेरे पास, उसमें से 25 लाख तुम ले लो, वरना नाव डूब गई नैनीताल में। हाँ देखो यार, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, मतलब 25 लाख रुपए यार कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ले लो। अरे ले क्या लो, लपक लो कहता हूँ। क्या मतलब मेरे माँ के आंसुओं की कीमत सिर्फ 25 लाख? मेरे अनाथ बचपन की कीमत 25 लाख? मेरी बदनाम जिंदगी की कीमत 25 लाख? इस बाप के प्यार की तरस की कीमत 25 लाख? गलत है पापा, दूर हट। अबे तो क्या चाह रहा है? मैडम मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाप है मेरे वो मुझे कानूनन अपनाए लिखा पढ़ी के साथ। चल हट, चल हट, चल हट। मैडम ये आदमी मुझे सही लग रहा है मैडम, वरना 25 लाख रुपया कोई ठुकराता है? मतलब अगर ये कोई उठाई गिरा होता तो इस तरह? मैडम ये सही में इनका बेटा है मैडम, ये आदमी सही है। सही है, फिर तो ऐसा है कल चौकी में वकील आएगा, कागजात कानूनी हेर फेर सब होगा, साइन होंगे और कानूनी रूप से यो थारा बेटा अडॉप्ट होगा थारे से। डन। अच्छा यानी कि नाव डूब गई नैनीताल में? डूब गई पापा। दूर हट, अभी तक हुआ नहीं है कानूनी बेटा मेरा। कल 10 बजे रेडी हो जाना लल्ला, युवराज का होगा राज्याभिषेक। जी मैडम जी, थैंक यू। पौने 10 बजे आ जाऊंगा मैं। चले तू दूर रह। हाँ अच्छा मैडम, थैंक यू। चलो चलो उठो अभी। हाँ हाँ मैं हूँ माकर, वकील उधाकर, कार्ड भी एक्सेप्ट करता हूँ। वकील साहब यो है पप्पू और यो है अनाथ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ भी दिला दूंगा और तुम्हारे बाप का नाम भी दिला दूंगा, क्योंकि मैं हूं माकर, वकील उधाकर, कार्ड भी एक्सेप्ट करता हूँ। भैया साहब ने वकील साहब को पूरा केस समझा दिया है। हाँ हाँ तो तुम हो जालिम बाप।
जो अपने फूल से मासूम बेटे को अपना नाम नहीं दे रहे हो। ये अब नहीं चलेगा क्योंकि मैं आ गया हूँ। एक मिनट वकील साहब, ये क्या आप सन्नाटे में हलचल वाली बात कर रहे हैं? जालिम बाप ये है और ये अपना नाम इस बेटे को नहीं दे रहे हैं ये। अरे अरे देखिए मैडम, मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ मैडम, ये जो कर रही है ना आप, ये सही नहीं कर रही है। नाव डूब गई नैनीताल में। अरे नहीं नहीं मैडम, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। अब जब मैं इनकी औलाद हूँ तो इनकी हर चीज पर मेरा हक होना चाहिए ना, कालिक पोत के। हकदार को मिलेगा हक, कोई शक। अरे कागज तो पढ़ दो वकील साहब, जो लाए हो बना के। हाँ हाँ, इसमें लिखा है, मैं पप्पू प्रतापी अपने पूरे होश आवास में दो गवाहों के सामने अनाथ प्रतापी को अपना बेटा स्वीकार करता हूँ। आज से मेरी हर चीज पर अनाथ का हक होगा, मेरी हर जिम्मेदारी, पैसे, रुपये, बिजनेस, लेन देन, सबकी जिम्मेदारी अनाथ की होगी। अब आप दोनों जल्दी से चलिए और इस कागज पर साइन कर दीजिए और फिर देखना कैसे ये अनाथ से अनाथ प्रतापी बन जाता है, क्योंकि मैं हूँ माकड़, वकील हूँ धाकड़, कार्ड भी एक्सेप्ट करता हूँ। भाई तने कोई ऑब्जेक्शन तो ना है? नहीं नहीं मैडम, मुझे कोई एतराज नहीं है कालिक पोत की। तुम एक काम करो, एक बार थोड़ा और ठंडे दिमाग से सोच लो एक बार। अरे मैंने कहा ना कि मुझे कोई एतराज नहीं है। मैडम आप साइन करवाइए कालिक पोत की। हाँ कराओ भैया, साइन कराओ। ढक्कन तो खोल लो। आप खोल के दो ना, ढक्कन भी मैं ही खोलूं। मैडम नाव डूब गई नैनीताल में। असली वाले? असली है ये। तुम्हें आते साइन करने की अंगूठा लगाओगे? वेरी गुड। चलो भाई, बाप को मिल गया बेटा और बेटे को मिल गया बाप, यो तो हो गई बढ़िया बात। सर, अरे नाचिए, रुकियो गए में चढ़ा ला, नाचिए सर। आपके बाल आपका भाई यहाँ पर? सर जब आप नृत्य क्रीड़ा में लीन होकर गोविंदा प्लस जो है रिकी मार्टिन हो रहे थे तभी। ये पोपा। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी सर, डांस आप बढ़िया कर ले है ना। मैं चौटाला, अरे हम तो बहुत बढ़िया नाचते हैं, हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, हम तो बहुत बढ़िया नाचते हैं। और एक सीक्रेट हम आपसे कहना चाहते हैं, बचपन से हमें एक सपने आते हैं और हम सपने में ना डांस करना शुरू करते हैं। और आज आपको पता हम किसके साथ डांस कर रहे थे? मल्लिका शेरावत? ना ना। संजीदा शेख? ना ना ना। आपके साथ? मेरे? हाँ आप। पता नहीं क्यों मैं चौटाला, हम जब भी सपने देखते हैं सपने में आप आ जाती है और हम आपके साथ डांस करना शुरू करते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों होता। वैसे हम उसी को सपने में देखते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। Well, can I coming is the? गोद में बैठ जा मारी, और कितना कमीन होएगा। क्यों आया बे, निकल यहां से, निकल। नहीं मम्मी जी, मैं बार बार आता रहूंगा जी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना, नौकरी पे नहीं रखेंगी, मैं ऐसे ही आता रहूंगा। अगर आज आपने मुझे नौकरी पे नहीं रखा ना, तो मैं सोच लाइट कर लूंगा। सुसाइड या दिस वन? कर ले सुसाइड, निकल चल फट फट। अरे अरे मिस चौटाला, जाने दीजिए ना, गलतियां इंसानों से ही होती है। वैसे इंसान दिखता है नहीं लेकिन है, थोड़ा बहुत इंसान है ये। देखिए हम बड़े बड़े अफसर हैं, हम भी लेट आते, लेकिन हमें रोकने वाला कोई है नहीं।
ये बेचारे छोटे मोटे अजीब से फ्रॉग जैसे लोग, जाने दीजिए ना उनको। हमें कई दिनों से चाय पिला रहे कि हम इसकी सिफारिश करें आपसे। कर ली सिफारिश है? जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं लास्ट वार्निंग पे तैने वापस नौकरी पे रख रही हूं। थैंक यू ब्रो। थैंक यू सर, थैंक यू मॉम, थैंक यू। अच्छा अच्छा चल, बर्दी बहन कल आई हो, चल चल। ओके, कैरी ऑन। वे कोचे सूखे हुए पोचे, तुम पप्पू प्रतापी का बेटा होती? हाँ हाँ, कालिक पोत के। वो हम तुम्हारा बाप का घर पे जाती अपना 50 लाख रुपया वसूल करने के लिए। तुम्हारा बाप बोलती कि उसका सारा जिम्मेदारी अब उसका बेटे का होती, और अब तुम उसका बेटा होती तो हमारा 50 लाख रुपया तुम देती, और अगर हमारा 50 लाख रुपया कल सुबह तक तुम नहीं देती तो हम तुम्हारा टुकड़ा 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 करके खा जाती। अरे ये क्या हो गया, जिसे करोड़पति समझ के मैंने अपना बाप बनाया था वो तो खुद कर्जे में निकला। सुन बे। जी जी भैया, भाई साहब। भैया नहीं हम, भाई है भाई। हाँ भाई भाई। डॉन टोनी रॉड्रिक्स डिकोस्टा फ्रेंचाइजी मार्टिनी जॉनी डेप, पूरा नाम समझ गए भाई साहब, इसको अलग कर लो। 16 मुल्कों की पुलिस अपने पीछे पड़ी है, 17 बजे से बातचीत चल रही है, समझा? अच्छा पर भाई साहब ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, ये अलग कर लो। ये तू है ना वो पप्पू का बेटा? हाँ, कालिक पोत के। हाँ, पप्पू ने हमसे 2 करोड़ रुपए लिए थे जो चुका नहीं पा रहा है, हैं? और उसने हमसे कहा है कि वो चुकाएगा उसका बेटा। आज से तू है उसका लेन देन का जिम्मेदार, तो कल सुबह तक अगर तूने हमारे पास 2 करोड़ नहीं पहुंचाए ना तो ये बंदूक की जो गोली है सीधा जाएगी तेरे पेट के अंदर और निकलेगी। समझ गए डॉन भाई। एक बोए, एक ये, अरे किसको बाप बना लिया मैंने अपना, या तो लेने के देने पड़ गए। बाप बाप। अरे मैडम मुझे बचाइए। किससे बचना मांग रहा है? मैडम वो लोग मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे कालिक पोत के। अबे कौन लोग? अरे मैडम वो पठान और वो डॉन। कौन पठान? Who is डॉन? अरे मैडम वो पठान जो इतनी लंबी तलवार लेके मुझसे कहता है कि मुझे 50 लाख चाहिए, और वो डॉन वो तो मैडम पिस्तौल ऐसे मुंह में ठूंस देता है और कहता है 2 करोड़ चाहिए, मैं कहां से लाऊं, पेड़ लगा के यहां पे। अरे पर थारे से क्यों मांग रहे हैं लोग पैसे? उन लोगों का कहना है कि मेरे बाप ने उनसे ये कर्जा लिया था, अब उनके हर लेन देन की जिम्मेदारी मेरी बनती है कालिक पोत के। अबे तो सही तो कह रहे हैं। अबे साइन ना करे थे तैने कागज, उस पर साफ साफ लिखा है कि भैया पप्पू के हर लेन देन की बिजनेस की जिम्मेदारी उसके बेटे की है, यानी थारी। इसमें इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? ओए खबीज, तुम इधर होती हम तुमको नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करेगी हम। आपको नहीं बोलती, डॉन के 2 करोड़ लेने की हिम्मत खुद डॉन की नहीं है बे, 2 करोड़ निकाल वरना गोली पेट के अंदर। नहीं मैडम, ये लोग इस चौकी में घुसा है मैडम, ये आपके सामने मार देंगे मुझे। भाई देखो भाई, ऐसा है, यो है एक फैमिली डिस्प्यूट है, पर्सनल मैटर, फैमिली मैटर, इसमें पुलिस कुछ ना कर सके भाई। वो बाप बेटे का मैटर है, बाप का कर्जा बेटे को उतारना है, बाप बेटे का बॉन्ड भाई, एक बाप और एक बेटे का बाप। कौन बाप? अरे वो मेरा बाप नहीं है और ना मैं उसका बेटा हूँ। मुझे बचाइए इनसे। वो थारा बाप ना है, यो तो मन ने बेरा है बेटा। वो जो फोटो दिखाई थी ना तेने सबूत की है, थारी अम्मा शादीशुदा जोड़े में और ये पप्पू के संग है, उसमें तू पप्पू के बाल रंगना भूल गया, बिल्कुल वैसी फोटो चिपका दी जैसी वो आज दिखता है। 25 साल पहले भी उसके बाल सफेद थे बेटा, तो एक फोटोग्राफी करा है ना तू। कौन है थारा बाप? अरे मैडम मेरा बाप तो जेल में सड़ रहा है चोरी के जुर्म में, चक्की पीस रहा है वहां पे कालिक पोत के। आओ भाई, वेरी गुड। मैडम ये लोग यहाँ? हाँ, ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है दोस्त, जिसमें तुम फंस चुके हो।
और हम भी कोई पटन नहीं होती, हम होती मुलायम सिंह उलगुले। पर हम भी कोई डॉनवॉन नहीं है बे, हमें चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे ईमान चौकी यहीं के मतलब समझे। क्यों बेटा, देखा मैडम का कमाल, तुम्हारी नाव डूब गई नैनीताल में। डार्लिंग, अब तो तुम्हें मुझ पे भरोसा हुआ ना? हाँ डार्लिंग, आई एम सॉरी, अभी मैंने मेकअप किया ही कहाँ है। अरे रहने दो, ऐसे ही अच्छी लगती हो। चलो भाई, इसको इसके बाप से मिलवाओ, डालो दोनों को एक ही कोठरी में। चल अभी फिलहाल इस जेल में जाके बैठ। चल चल चल। हाँ भैया, इसको लेके जाइए आप अपनी मेकअप। जी जी मैडम, जी जी, थैंक यू सो मच मैडम, बच गई नाव नैनीताल में। आओ डार्लिंग चले। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मॉम रिपोर्टिंग। तू 10 मिनट लेट आया है गोपी। चल भाई, अपनी बनियान पहन, गोपाल चड्डी पहन, और जो है चाय का वो हाथ में ले और चाय बेच। चल चल निकल। ओह माय गॉड, लगता है मेरी घड़ी फिर खराब हो गई। शी इज नॉट वेल मॉम। ओ झल्लू भाई, आ रहा है सारा मुंडू वापस नौकरी पे। चल चल निकल। मुझे माफ कर दो मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दो जी, गलती हुई, माफ कर दो जी प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कैरी ऑन।